हेलो गाइस, आज बात करते हैं कार्डानो की। काफ़ी टाइम हो गया कार्डानो के ऊपर मेरा कोई अपडेट नहीं आया, कोई वीडियो नहीं आया, तो लेट्स डू कार्डानो टुडे। फ्रेंड्स, बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर, लाइक एंड कॉमेंट। हमेशा की तरह डिस्क्लेमर, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, तो आप किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करें अपने रिसर्च पे और अपने आप डिसीजन लें। तो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। कार्डानो जो है एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन बहुत स्लो है। इसका डेवलपमेंट जो है वो काफ़ी स्लो है और इसके लिए कई बार इसको क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ता है और बहुत लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि बहुत स्लो है और टाइमली जो है वो डिलीवर नहीं कर रहा है। इनका अभी समिट हुआ था अप्रैल में IOHK का, जहाँ पे लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि शेली जो है उसका टेस्ट नेट रिलीज हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और कई लोग जो एंग्री इन्वेस्टर्स हैं, इनफैक्ट जो भी लोग हैं कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट हो गए हैं कि ज़्यादा टाइम लग रहा है। रेडिट पे जो कार्डानो का रेडिट है, वहाँ पे कई ऐसे कमेंट्स देखने को मिले जहाँ पे लोगों ने लिखा है, ये कमेंट है, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद थिंग्स टेकिंग टाइम, वॉट इज स्टार्टिंग टू पिस मी ऑफ मोर एंड मोर इज दैट यू कैन नॉट ट्रस्ट एनी ऑफ देयर कम्युनिकेशंस रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट प्रोग्रेस। टू मिस डेडलाइन इज वन थिंग, बट टू सिस्टमेटिकली डिसीव द कम्युनिटी बाई नॉट बींग ट्रांसपेरेंट अबाउट वॉट रियली इज गोइंग ऑन इज अनदर। हाउ कैन यू से शेली टेस्टनेट बाई द एंड ऑफ Q1 वेन द फॉर्मल स्पेसिफिकेशन फॉर शेली आर ओनली रिलीज वन डे बिफोर द समिट। यानी कि कार्डानो का कहना था कि Q1 के अंदर शेली का जो है अपडेट कंप्लीट हो जाएगा और टेस्ट नेट जो है वो रिलीज हो जाएगा। ऐसा नहीं हुआ और सबने एक्सपेक्ट किया था कि अप्रैल में जो समिट हुआ है वहाँ पे जो है देखने को मिलेगा शेली। तो अभी जो इनका इम्पॉर्टेंट जो डेवलपमेंट हुआ है वो हुआ है ये फॉर्मल स्पेसिफिकेशन कोड, अभी इन्होंने कंप्लीट किया है और ये फाइनल रिव्यू के लिए भेजा गया है। जैसे ही ये रिव्यू कंप्लीट होगा उसके बाद टेस्टनेट रिलीज होगा इसका। यानी कि अभी भी मुझे लगता है शेली में टाइम लगेगा और मुझे लग रहा है Q3 तक या मे बी Q4 तक जाके ये कंप्लीट होगा। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं पेशेंट रहने की ज़रूरत है और ये जो कार्डानो है वो अपने स्केड्यूल से पीछे चल रहा है और देखते हैं किस तरह से आगे इसकी डेवलपमेंट होती है। कई सारे आर्टिकल्स देखने को मिले, चार्ल्स हॉस्किंसन की तरफ से कई सारे अनाउंसमेंट आए। उनका ये कहना है कि ही विल ईट हिज ओन शू इफ शेली डज नॉट हैपन दिस ईयर। तो जॉन मैकेफी के स्टाइल में इन्होंने कुछ कमिट किया और बोला है कि इस साल शेली को हम कंप्लीट करेंगे। इस आर्टिकल में अगर आप पढ़ेंगे तो क्लियरली उन्होंने मेंशन किया है कि चीज़ें हो रही हैं और जो शेली है इज़ ऑल अबाउट डिसेंट्रलाइजेशन। और इनका ये कहना है कि अब तक का सबसे बड़ा प्रूफ ऑफ स्टेक इकोसिस्टम ये क्रिएट करेंगे, सबसे ज़्यादा डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम क्रिएट करेंगे जहाँ पे थाउजेंड ऑफ स्टेकिंग पूल्स होंगे, यानी कि फुल्ली डिसेंट्रलाइज POS एल्गोरिदम होगा। बहुत बड़ा विजन है और बहुत बड़े बड़े वादे हैं और कहीं ना कहीं टीम केपेबल भी है डिलीवर करने में, लेकिन जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी स्लो है और लोग कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। अभी रिसेंटली चार्ल्स हॉस्किंसन मंगोलिया गए थे, वहाँ पे इन्होंने एक MOU साइन किया है मंगोलियन गवर्नमेंट के साथ टू फाइट काउंटरफिट ड्रग्स। यानी कि ये ब्लॉकचेन जो सर्विस है कार्डानो की उसको यूज़ करेंगे और एक और कंपनी है फार्मा ट्रस्ट जो कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, तो ये लोग मिलके कहीं ना कहीं जो भी काउंटरफिट ड्रग्स है उसको एलिमिनेट करेंगे। अभी भी जो डिटेल्स है, इनसाइट्स है, वो आना बाकी है कि किस तरह की पार्टनरशिप हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं एक अच्छा माइलस्टोन है कार्डानो के लिए। और कार्डानो जो है इज़ ट्राइंग टू कोलैबोरेट विद इथियोपियन एडमिनिस्ट्रेटर टू क्रिएट क्रिप्टो करेंसी फॉर द पीपल ऑफ द कंट्री। यानी कि इथियोपिया में भी ये गवर्नमेंट के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बातचीत कर रहे हैं क्रिप्टो लॉन्च करने की वहाँ के लोगों के लिए। तो चीज़ें हो रही हैं, IOHK जो है कहीं ना कहीं बिजनेस एक्सपेंशन में लगा है, नए पार्टनरशिप में लगा है। तो बट लेकिन जो टेक्नोलॉजी है, जो इनका प्रोडक्ट है,
वो अभी आउट नहीं है और वो कहीं ना कहीं काफ़ी टाइम ले रहा है और इसलिए लोग काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड है। और अभी रिसेंटली चार्ल्स हॉस्किंसन ने ये बोला है कि कार्डानो जो होगा विल बी द टॉप कॉइन जो मार्केट में बुल रन है उसके अंदर। तो कहीं ना कहीं जस्टिन सन की तरह अनाउंसमेंट कर रहे हैं एंड ट्राई टू शील द कॉइन, ट्राई टू ही इज ट्राइंग टू मार्केट द कॉइन। यहाँ पे लिखा है एडीएस चार्ल्स हॉस्किंसन सेज एडीए विल बिकम टॉप कॉइन इन द मार्केट इफ द करंट मोमेंटम कंटिन्यूज। तो देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा किस तरह की डेवलपमेंट हो रही है। और अगर हम कार्डानो की प्राइस देखें तो अभी ये है 0.078 सेंट और 95 सैट्स में है, 957 सतोशी के अंदर। तो जो बुल रन अभी चल रहा है और जो कॉइन्स में मूवमेंट आ रही है उसमें कार्डानो भी कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन मैं अभी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हूँ इन रिगार्ड्स टू कार्डानो, क्योंकि मेरे को लग रहा है थोड़ा टाइम और लगेगा और मे बी Q3 या बाय द एंड ऑफ दिस ईयर हमें फायरवर्क्स देखने को मिल सकता है। जैसे ही शेली जो है वो रिलीज़ हो जाएगा, स्टेकिंग चालू हो जाएगी, लोग रिवॉर्ड अर्न करना शुरू करेंगे और बहुत सारे जो पूल्स हैं वो स्टार्ट कर देंगे माइन करना, सिक्योर करना नेटवर्क को। जब ये फुल्ली फंक्शनल प्रोडक्ट होगा फिर देखते हैं किस तरह का रिस्पॉन्स जो है मार्केट कार्डानो को देता है। होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। ये एक छोटा सा वीडियो था कार्डानो के बारे में। तो थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।